हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीना ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लीना। आज मैं आप लोगों के साथ पास्ता के कुरकुरे शेयर करने वाली हूँ और बहुत टेस्टी कुरकुरे है, घर पर झटपट से बन जाती है। जिस तरह से पास्ता बनती है उसी तरह से थोड़ी सी डिफरेंस है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर पास्ता को बॉयल कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्का सा ऑयल और नमक, जैसे जिस तरह से पास्ता को बॉयल करते हैं हम पास्ता बनाने के लिए उसी तरह से। और कुरकुरे तो सबको पसंद है, बच्चे या बड़ों सभी को खाते हैं। कभी कभी हम बाजार से लाते हैं, लेकिन यही चीज़ हम घर पर बनाते लेते हैं तो अच्छा होती है, क्योंकि अभी तो फिलहाल लॉकडाउन चल रही है, बच्चों का ज़रूरत होती है, बच्चों के बड़े सभी का ज़रूरत है। और यहाँ पर फिलहाल मेरी जो पास्ता है वो बॉयल हो चुकी थी, मैं उसको ठंडे पानी से थोड़ा धोकर उसको रख रही हूँ, ठंडा करने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर मैं इसका पाउडर एक बनाने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, 2 चम्मच राइस फ्लोर ली हूँ, क्योंकि दोनों व्हाइट है इसीलिए मिल जा रही है, लेकिन यहाँ पर 2 चम्मच राइस फ्लोर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ। और उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी क्योंकि दोनों आपस में मिक्स हो जाए। और यहाँ पर पास्ते की जगह पर मैक्रोनी भी ले सकते हैं। और हल्का सा नमक डाली हूँ क्योंकि मेरा बॉयल के टाइम नमक डाली थी जितना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर मैं नमक बहुत हल्का सा डाली हूँ। अगर यहाँ पर नमक नहीं डालेंगे तो चलेगा, दोनों को मिक्स करके बाद में डालेंगे खाने के टाइम, काला नमक या सफ़ेद नमक जो भी जिसको पसंद है। और यहाँ पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। और अभी चाट मसाला डाली हूँ, अपने हिसाब से डालना जितना आपको पसंद है, किसी किसी को चाट मसाला पसंद भी नहीं है तो थोड़ा बहुत, लेकिन चाट मसाला या ज़रूरत पड़ेगी नहीं तो टेस्ट नहीं होगा। कम से कम हाफ टेबल स्पून मैं लिए हूँ, वही व्हाइट वाला चम्मच में इसमें चाट मसाला। और मैं यहाँ पर लाल मिर्ची लिया हूँ, तीखा लाल मिर्ची, और आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए ले सकते हैं। यहाँ पर राइस फ्लोर कॉर्नफ्लोर मेरे अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी मसाले के साथ। और यहाँ पर मैं जो पास्ता रखी थी और इसको डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, जिस तरह से पाउडर पास्ता में लग जाए। मेरा तो लगभग पाउडर सब कुछ लग गई थी, थोड़ी सी हल्का सा बची थी। यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पास्ता लेकर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर आप लोग जब अगर चाहे तो चाट मसाला और लाल मिर्च अभी नहीं डालकर बाद में जब फ्राई होने होंगे उसके बाद ही डाल सकते हैं, कि सिर्फ कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर में मिक्स करके फ्राई कर सकते हैं। को जिस टाइप का पसंद है उसी टाइप से करिए। और मैं प्रोसेस बता दी हूँ। और यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो चुका था, मैं फ्राई करने लग गई। यहाँ पर मैं कम तेल ली हूँ क्योंकि जो पाउडर है उस तेल में गिरेगी, इसीलिए मैं कम तेल ली हूँ। थोड़ा कड़क फ्राई करना है क्योंकि हमको 1-2 दिन के लिए रखना है। मैं तो 5-6 दिन रखा था और मेरी पूरा स्टोर होकर 5-6 दिन आराम से रही और बहुत टेस्टी भी बना था। अभी फ़िलहाल ये हुई नहीं थी तो मैं दिखा रही थी, ये थोड़ा सा अभी नरम है तो उसको मैं कड़क बना रही थी। अभी तो फ़िलहाल हर जगह लॉकडाउन चल रही है, ज़्यादा टाइम तक दुकान खुलती नहीं है, तो घर पर इस तरह से कुरकुरे बनाकर खाना बहुत टेस्टी बनी थी। और एक बार ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको मेरी पास्ता की कुरकुरे। और आप लोग मैक्रोनी में भी कुरकुरे बना सकते हैं सेम तरीके से, सिंपल से। अगर मेरी चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और घर पर रहिए, सुस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय। और एक नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और देखिए मेरा कुरकुरे कैसे कड़क बनी है, और अच्छी भी स्टोर करके रख सकते हैं आप लोग, और ज़रूर एक बार बनाकर खाइए। बाय बाय, टेक केयर।